क्लास 5 के साइंस क्लास में आज हम एक्सरसाइज 1.2 आज हम ये बताने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आंसर जो है इस पर ध्यान दीजिए, व्हाट इज ग्रोथ, ग्रोथ क्या है, वृद्धि क्या है। ग्रोथ इज ए नेचुरल प्रोसेस, ग्रोथ एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, व्हिच इज फीड बाय इंक्रीजिंग हाइट एंड वेट ऑफ समवन, जो कि बढ़ते हुए वजन और कद को देख करके या महसूस करके आप जान सकते हैं कि वृद्धि हो रही है। इसीलिए दूसरा है, व्हाई डज ए बॉय मेकिंग क्राई, क्यों कोई बच्चा रोता है, चिल्लाता है। व्हेन द बेबी फील्स अनईजी वेट एंड हंग्री देन ही क्राइज टू कम्युनिकेट हिज नीड्स। आता है जब कोई बच्चा अनईजी असहज महसूस करता है, वेट गीला होता है यानी तो भूखा होता है। मान लीजिए बिस्तर पे पड़ा हुआ है बच्चा, छोटा बच्चा है, बोल नहीं सकता, गीला, पेशाब कर दिया या कुछ हो गया, पेट गीला हो गया, तो इस स्थिति में वो क्या करेगा, वो चिल्लाएगा, रोएगा। ही ट्राइज टू कम्युनिकेट हिज नीड्स, वो चिल्ला करके अपने जरूरत को बताता है कि हमें इस चीजों की आवश्यकता है, भूख लग गई है या मेरा पेट गीला है, क्योंकि बोल तो सकता नहीं है। आगे है, व्हाट शुड वी डू व्हेन हाइट एंड वेट इज नॉट नॉर्मल, हमें क्या करना चाहिए यदि वजन और लंबाई नहीं बढ़े तो। इफ हाइट एंड वेट इज नॉट नॉर्मल देन वी शुड कॉन्टेक्ट विद अ डॉक्टर, यदि आपका हाइट या आपका वजन नहीं बढ़ रहा है, रुकावट है, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आगे है, व्हाट डिटरमाइंस लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन का, किसी भी लोगों का पसंद या नापसंद किस बात पर निर्भर करता है, कौन सा कारक है। तो द लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग इज डिटरमाइंड बाय एनवायरमेंट ट्रेडिशन एंड मेंटल स्टेट, ये डिपेंड करता है उसमें रहने वाले माहौल में, व्यापारी वातावरण में, ट्रेडिशन रीति रिवाज में, या नहीं तो मेंटल स्टेट। मेंटल स्टेट क्या है, मानसिक स्थिति, आप किस तरह का सोचते हैं, इसी हिसाब से आप दूसरे चीज को पसंद करेंगे या उसे नापसंद करेंगे। आगे है, हाउ डू वी सेंस समथिंग, हम कैसे कोई चीज को अनुभव करते हैं। वी सेंस समथिंग बाय आवर सेंस ऑर्गन, हम सेंस ऑर्गन से, सेंस ऑर्गन क्या होता है, तो सेंस ऑर्गन होता है जैसे कि इंद्री कह सकते हैं, वी सेंस समथिंग विद सेंस, वी सेंस समथिंग बाय आवर सेंस ऑर्गन, ज्ञानेंद्री से हम अनुभव करते हैं, विच कीप्स आउट द इंफॉर्मेशन टू आवर ब्रेन, ये हमारे ब्रेन को संदेश भेजता है और ब्रेन तक संदेश कैसे जाता है, ये जाता है सेंसरी नर्व्स के द्वारा, सेंसरी नर्व के द्वारा संदेश जाता है ब्रेन। आगे है, ट्रू फॉल्स, पहला प्रश्न है इसमें ए नंबर, वी शुड क्रिटिसाइज लाइक एंड डिसलाइक डिसलाइक्स ऑफ अदर्स, कहता है हमें दूसरों के नापसंद, पसंद या नापसंद की निंदा करनी चाहिए, तो हमें इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी का पसंद किसी का नापसंद बन जाता है, ऐसा होता है, किसी को फिल्म देखना अच्छा लगता है, किसी को फिल्म देखना खराब लगता है, ये होता है, ये फॉल्स हो। बी नंबर, टॉल एंड शॉर्ट फिजिक डिपेंड्स ऑन जेनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द पेरेंट, कहता है किसी पर्सन का लंबा या छोटा होना वो उसके अनुवांशिक गुण पर, जेनेटिक प्रॉपर्टीज पर, माता पिता के अनुवांशिक गुणों पर निर्भर करता है, तो ये सही है। माता पिता अगर लंबे हैं तो इसकी संभावना ज्यादा है कि आप भी लंबे होंगे। सी नंबर है, मोटर नर्व सेंड द मैसेज टू द ब्रेन, मोटर नर्व ये ब्रेन को मैसेज भेजता है, ये गलत है, सेंसरी नर्व्स भेजता है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है सेंसरी नर्व्स के द्वारा मैसेज आता है, तो ये गलत है। सेंसरी नर्व सेंड द
ये गलत है, मोटर नर्व भेजता है। जैसे कि आपको कोई चीज चुभता है तो यहाँ पर जैसे चोट लगता है ये मैसेज आपका सबसे पहले ब्रेन में जाता है, इसके बाद ब्रेन प्रोसेस करता है और ये बहुत ही जल्द होता है, वापस प्रोसेस आकर के यहाँ बॉडी पार्ट्स में आपको मैसेज देता है कि यहाँ आपको दर्द हो रहा है। तो ये मैसेज वापस जो देता है ये मोटर नर्व्स के द्वारा होता है, ये भी गलत है। ई नंबर, गुजराती लाइक स्पाइसी फूड, गुजराती लोग स्पाइसी भोजन बस मसालेदार भोजन पसंद करते हैं, ये भी गलत है, ये मीठा पसंद करते हैं गुजराती लोग। आगे फिर स्वीपर, स्वीपर्स क्लीन द सीवर एवरी डे, तो स्वीपर्स जो होता है सफाई करने वो सीवर को साफ करता है, गटर को साफ करता है, भूमिगत नाला को साफ करता है। कैसे करता है? तो जब अंदर जाता है तो इसके शरीर में इसमें लगता है गंध होता है, दुर्गंध आता है, तो ये दुर्गंध को बर्दाश्त करते हुए भी सफाई का काम करता है, तो डर्टी स्मेल होगा। बी नंबर, वी शुड एंजॉय ड्यूरिंग ड्यूरिंग डेज एंड स्टिक ड्यूरिंग डेज, हम लोग को एंजॉय करना चाहिए डेज के द्वारा, वैकेशन होगा और रेस्ट्रिक्ट रुकना चाहिए किसके द्वारा, तो एग्जामिनेशन के द्वारा। तो यहाँ पे ये बुक से आपको है, बुक में ऐसा आंसर है, लेकिन अभी के समय में आपका वैकेशन ही चल रहा है तो आपको ये एंजॉय नहीं करना, पढ़ाई पर ध्यान देना, ये एग्जाम में या बुक में ऐसा लिखा हुआ है इसीलिए ये इसका आंसर है। सी नंबर है, पंजाबी लाइक डेज, पंजाबी लोग किस तरह के भोजन को पसंद करते हैं, तो मसालेदार भोजन को, स्पाइसी फूड हो। डी नंबर, नॉर्थ ईस्ट पीपुल लाइक डेज, नॉर्थ ईस्ट पीपुल उत्तर पूर्व के लोग वो कैसा भोजन पसंद करते हैं, तो वो प्लेन फूड पसंद करते हैं, सादा भोजन, रोटी चावल दाल ये सब। तीन नंबर है, मदर है नेचुरल एबिलिटी टू डैश द नीड ऑफ ए बेबी, कहता है माँ के पास प्राकृतिक योग्यता होती है समझने की, बच्चों के डैश को समझने की, तो बच्चों के जरूरत को समझने के लिए यहाँ समझने का अंग्रेजी अंडरस्टैंड हुआ, यहाँ पर अंडरस्टैंड हो जाएगा। आज के क्लास में इतना ही, आप लोग इसको अपने कॉपी पे उतारेंगे और इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स फिलिंग द ब्लैंक्स ये सभी याद करेंगे। धन्यवाद।